एस्ट्रोलॉजी एंड प्लैनेट अर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब एक अजीबोगरीब कोविड-19 दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक कश्मकश तो है वहीं ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस भी है। हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। ऐसे में चाहे हम प्लैनेट की बात करें या फिर कह लीजिए प्लैनेट्स की बात करें, तो कई सारे सवाल हमारे जहन में हमेशा रहते हैं। ऑन द वन हैंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट मदर अर्थ एंड ऑन द अदर द रोल ऑफ प्लैनेट्स इन डिफाइनिंग द फ्यूचर। वैदिक साइंस में एस्ट्रोलॉजी का महत्व हमेशा से रहा है। वेस्टर्न स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने भी वैदिक साइंस के दबदबे को माना है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो रेनेसां, शेक्सपियरियन टाइम्स, बिकॉज मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ पिछले 30 साल से, तो 15वीं 16वीं शताब्दी के यूरोप में प्रिडिक्शंस वर मेड रिगार्डिंग बर्थ, वेडिंग्स, इवन क्रॉप हार्वेस्ट एंड रेफरेंस टू द स्टार्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामास एंड इवन इन द वर्क्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। फिर हम बात करते हैं हेनरी सिक्स की, रोमियो जूलियट की। रोमियो जूलियट में तो बहुत आसानी से एक रेफरेंस है, सम कॉन्सिक्वेंसेस हैंगिंग इन द स्टार्स। सो स्टार्स का एकदम से रेफरेंस आ जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस। और इन जूलियस सीजर और इन किंग लियर, देयर मेनी सच रेफरेंसेस इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट देयर हैज बीन न्यूमरस इकोज ऑफ द ओरिएंटल फिलोसफी इन द वेस्टर्न थॉट। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर संदीप कोचर, हु इज टुडे विद अस। आप इंटरनेशनली रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, एक्टर हैं, एंकर हैं, ऑथर हैं, एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया, द मोस्ट ट्रस्टेड। वेलकम टू द वेबिनार डॉक्टर संदीप कोचर जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच जितना जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अभी तो टेक्नोलॉजी भी हो गई है, आपने बोला भी कि ये बदलाव का वक्त है, तो मुझे इसमें बदलाव का, मैं तो पोएट्री लिखता रहता हूँ 20 साल से, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी तो जो भी कर रहा हूँ साथ में एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंसान को एक फिलोसोफर बना देती। तो आई कीप ऑन राइटिंग थिंग्स, सो उस पर मैंने लिखा था कि लोग बदल गए, जमाना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझी को चाहता था कमबख्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है, इट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंज विद इन अस। तो हर कोई एक इनसिक्योर जोन में चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जिंदगी किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। मैं आपके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, व्हाट इज हमारे दर्शकों के लिए, व्हाट इज योर राशि, किस्मत के सितारे ऑन जी टीवी, और सबसे बड़ी बात है कि किस्मत के सितारे ने कंप्लीट किया है 2740 एपिसोड्स एंड इट वाज फर्स्ट इन टीवी हिस्ट्री विच वाज व्यूड इन मोर देन 120 कंट्रीज, लॉन्गेस्ट रनिंग शो। और सर आपने इसके लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी खिताब जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन अराउंड, दर्शकों के बिहाव पर, स्पर्श गंगा टीम के बिहाव पर। आपको नॉस्ट्रेडेमस ऑफ इंडिया का सम्मान मिला, थाईलैंड के एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपको इस सम्मान से नवाजा है। यू हैव रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स लाइक इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड, मास्टर ऑफ विजडम अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ग्लोरी ऑफ इंडिया, सुपर अचीवर्स अवार्ड, Flag Bearers of Astrology 2016 Award, to name a few. So, Dr. Sandeep Kocher का बचपन कैसा रहा? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि when did you become conscious of planet and planets around us? Because दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, जुदा नहीं है, they are आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। Like William Wordsworth का मेरे को एक याद आ रहा था, वो उनको नेचर का, ही इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ नेचर,
नेचर आउटसाइड भी होता है, जैसे हम रिवर की बात करते हैं, माउंटेन्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, और एक नेचर होता है विद इन अस, जैसे हैप्पीनेस, पेन, सक्सेस, फेलियर, एंग्जाइटी, होप, डिजायर्स, एम्बिशंस. तो कैसे आप कॉन्शियस हुए प्लैनेट और प्लैनेट्स? थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी चेतना जी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आई एम ब्लेस्ड, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी. मेरी जर्नी शुरू हुई एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, शाहजहानपुर. एंड वहाँ पे अखबार भी नहीं छपते थे उस दौरान, अभी भी शायद नहीं छपते हैं. पास में एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ प्रिंट होता है. लेकिन फिर भी मेरा एक सपना था कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए. एंड मनी आज भी मेरे जो पैसा है वो मेरी जो लिस्ट है उसमें शायद 5 नंबर पे, टॉप 5 में भी नहीं है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं दुनिया के काम आऊँ. तो ये भावना बचपन से थी, क्योंकि हमारा जो घर है वो कैंटोनमेंट एरिया में, इट इज़ अ बिग बंगलो, 11 एकड़ का घर है. हमारे जो नेबर हैं वो ब्रिगेडियर हैं अभी भी. तो जितने भी मेरे दोस्त बने वो सब आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे. तो वहाँ पे जो कल्चर था वो यही था, देश के लिए कुछ करना चाहिए, यू नो, उस तरह की भावना मन में थी. कोई सोशल मीडिया नहीं था किसी तरह का, कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या कुछ नहीं था उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ. तो वहां से आपको जो एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है वो यही करता है कि कुछ ना कुछ कर गुजरो जिससे दुनिया का भला हो, देश का भला हो, और आप जिंदगी में एक कंटेंटमेंट की भावना आपके अंदर. एंड आई नेवर थॉट कि मैं बड़ा होकर एक दिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में, हम कहिए पूरी फैमिली में, एंसेस्टर्स में, देयर इज नो एस्ट्रोलॉजर इन माय एंटायर फैमिली, एंड आई कुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट वन आई थिंक. एंड आई बिलीव इन, दो आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड विद इवन राहुल द्रविड़ फॉर 2 years, मैं अंडर 16, अंडर 19 यूपी स्टेट खेला, अंडर 22 कर्नाटका स्टेट खेला. एंड दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ टू प्ले फॉर इंडिया, कि मैं कुछ बड़ा करूंगा एंड देन आई कैन इन्फ्लुएंस मेनी पीपल. बट कुछ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर कि आखिर जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो उसके पीछे आखिर वजह क्या, क्यों कोई इंसान एक बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहा है और एक इंसान साइकिल पे चला जा रहा है या बसों में भीड़ में जा रहा है, तो आखिर ये इतना फर्क क्यों है लोगों के बीच में. तो एक फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड मेरा बचपन से था. मेरे अंकल वगैरह सब मुझे फिलोसोफर ही कहते थे बचपन से, जबकि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था दूर दूर तक. तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स अबाउट माई लाइफ, कि आखिर इतनी जिंदगी में इतना बड़ा यू टर्न आ गया मेरी जिंदगी में, तो यू टर्न आ गया कि लेफ्ट और राइट तो चलो कोई बात नहीं. तो वो देखने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कि आखिर ये सितारे क्या. एंड देन आई रियलाइज कि एवरीथिंग हैज अ रीजन, जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं. लेकिन एक बात मैंने, अब तो मुझे 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते करते, 20 सालों में मैं एक चीज समझ गया हूं कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट द चेंज इज चेंज वन यू चेंज. एंड अभी मैंने आपको बताया कि मुझे पोएट्री लिखने का बहुत शौक है, और मैंने लिखा इसी बात पर कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदले. तो दैट चेंज यू नीड टू ब्रिंग इन यू. और जो बात अभी आपने कही नेचर की, दैट वॉज वॉट आई वॉज सपोज टू से, और मुझे नहीं पता था कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, बट दिस इज वॉट आई वॉज थिंकिंग कि नेचर जो है वो दो तरह का होता है, एक इंसान का खुद का नेचर जिससे उसकी जिंदगी बनती है, कि वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना वो पेसिमिस्टिक है, या कितना एग्रेसिव है, कितना इमोशनल है, कितना सेंटिमेंटल है. मतलब इंसान की खुद की फितरत उसके लाइफ के हैप्पीनेस को डिफाइन करती है, उसकी जर्नी को डिफाइन करती है. कितने लोग हैं अपने गुस्से की वजह से वो अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, कितने लोग हैं कि वो बहुत हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है. दिस इज ऑल नेचर विद इन यू, एंड द अदर नेचर इज द नेचर अराउंड यू. तो वो नेचर, दोनों नेचर हम लोगों के पास कंट्रोल. दिस इज व्हाट आई फील. आज अगर आप रियलाइज करें ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन हुआ अनफॉर्चुनेटली, इसकी वजह से आप देखिए एक फायदा जरूर हुआ कि नेचर हील होना शुरू हो गया. आज मुझे कितने वीडियोज हैं, पिछले ये लॉकडाउन से पहले मैं 2 बार ऋषिकेश और हरिद्वार ऊपर आया जनवरी और फरवरी में. एंड आज मुझे वो लोग वीडियो भेजते हैं तो गंगा जी का पानी इतना निर्मल, इतना स्वच्छ हो गया, एनवायरमेंट इतना ब्यूटीफुल हो गया. आज मैं बालकनी है, बालकनी से मुझे यहाँ से सी दिखता है, जो स्काई है, जो सी का जो कलर है वो डज बिकम सो ब्यूटीफुल कि ऐसा ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी. तो मुंबई में बैठकर मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सिचुएशन रहता है, उसके बावजूद जो नेचर ने जो चेंज अभी आया है दैट इज रियली अमेजिंग. तो मेरा कहने का मतलब यही है जो आपने कहा चित्रा जी, कि नेचर अपना और नेचर हमारा कैसे हम बदल सकते हैं वो हमारे हाथ में है. ये बात हम जिस दिन रियलाइज कर लें उस दिन से हमारी जिंदगी खूबसूरत जरूर हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. ये तो तय है संदीप जी, आप पैशनेटली बिलीव करते हैं डेस्टिनी में,
डेस्टिनी जो है प्री ऑर्डेंड भी है, रिटन है, इट इज फॉर ऑल मैनकाइंड एंड इट अनरैवल्स विद टाइम, जो समय के साथ ही उजागर होती है. Absolutely. एक बहुत सवाल मेरे, जब आपने जवाब दिया कि एक जना एक इंसान गाड़ी में घूम रहा है, दूसरा इंसान साइकिल पे घूम रहा है, सो डज डेस्टिनी डिस्क्रिमिनेट? क्योंकि जब हम माँ गंगा की बात करते हैं तो यकीनन गंगा जो है वो कोई भेदभाव नहीं करती है जी. किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है. तो क्या डेस्टिनी डिस्क्रिमिनेट करती है? एक के साथ एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक के जीवन में ज्यादा खुशियां हैं, के जीवन में कम खुशियां हैं या दुख है, तो क्या ऐसा कुछ आप बिलीव करते हैं इस पर? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और शायद मुझे मेरी जिंदगी में, मैंने इतनी कंट्रीज में इंटरव्यू दिए बीबीसी से लेके एवरी रेडियो और टेलीविजन, ये सवाल किसी ने मुझे नहीं किया. एंड कि डेस्टिनी का डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक इसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया, मतलब जस्ट क्रिएटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डेस्टिनी. मुझे लगता है कि डेस्टिनी भेदभाव नहीं करती. एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो उसी उसी से होती है, जिसको एक एक संस्कृत का वर्ड है जिसको कहते हैं प्रारब्ध, जिसकी डेफिनेशन है द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ. तो आप पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल हम लोग इस जन्म में भोगते हैं. एक हाँ. चीज जब इंसान जो चूज नहीं कर सकता वो उसके माता पिता है, नो वन कैन चूज इट. तो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि वो बच्चन बनेगा, गांधी बनेगा, अंबानी बनेगा, अब तो मैं कह सकता हूँ मोदी बनेगा, या वो कहीं का नहीं रहेगा. He has no control about his family surname या city और country of birth. तो जिस शहर में या जिस वो माहौल में पैदा होता है उसके हिसाब से उसकी उसकी जो bringing है, upbringing जो है वो वहीं से define हो जाती है. पहले कहते थे डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर बन जाता था, लेकिन आप थोड़ी सी हालात बदले तो कहने का मतलब यह है कि वो कर्म तो अब आपके कंट्रोल में नहीं है, इस जन्म के कंट्रोल कर्म जो है वो आपके हाथ में. तो इसीलिए मैं हमेशा अपने टॉक्स में कहता हूँ कि डेस्टिनी में कहता तो हूँ कि वो फिक्स है, लेकिन डेस्टिनी की स्पेलिंग तो अगर आप देखिए अगर गौर से, तो DESTINY, देयर इज अ टाइनी वर्ड आल्सो अटैच्ड विद डेस्टिनी. की डेस्टिनी भी ये कह रही है कि मुझे भी बदला जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ये आपकी जो सोच है, जो नेचर है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, वो नेचर पे आप बदलाव लेकर आए, अपने वीकनेसेस को ओवरकम करें, अपने डिजायर को बढ़ाएं, अपने सपनों को एक्सपेंड करें और उस हिसाब से हार्डवर्क करें. क्योंकि कर्म ज्योतिष में भी कहा जाता है कि कर्म प्रधान है. तो इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल पाथ चलते हैं वो लोग जाते हैं और गंगा जी जाकर कहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, यानी गंगा से पवित्र कुछ है ही नहीं. तो ये जो एक धारणा है, जो एक फेथ है, और फेथ की वजह से ही जिंदगी चलती है, चाहे वो ज्योतिष हो या धर्म हो. अगर आपके अंदर वो फेथ नहीं है तो आपका कनेक्शन किसी से भी नहीं. लोग आज मंगलवार को ये वाले भगवान के पास, शनिवार को वो वाले वहां मंदिर में जाते हैं, वो एक डर की वजह से जाते हैं, फेथ की वजह से नहीं जाते. कहते हैं कि अगर इंसान अपने नेचर को परिवर्तित कर ले, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड. अगर आप भगवान को देखने, अभी नए जनरेशन के बच्चे, चेतना जी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो वो बच्चे जो कहते हैं स्कूल या कॉलेज में, वो कहते हैं कि नो वी डोंट बिलीव इन, बिकॉज वो लोग लॉजिक को ढूंढते हैं. अब लॉजिक तो कोई है नहीं कि आप प्रूव कर दीजिए भगवान, एक बार इनको जरा हवा चला के दिखाइए तो आप इनको पता चलेगा भगवान चलते हैं. भगवान कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं कहता हूँ खाली आप नेचर को देख लीजिए. जो सबसे जरूरी हमारे लिए पानी और हवा है, हवा में इतनी सारी गैसेस हैं, हाउ कैन वी चूज ओनली ऑक्सीजन टू ब्रीद इन? ये कौन सी मैकेनिज्म है, मशीनरी है जो खाली ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेकर आ रही है? Sure. और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर ऑक्सीजन आज बिक रही होती तो मैं ऑडी का, आप मर्सिडीज का सिलेंडर लगा के शो ऑफ कर रहे होते, देखिए मेरे पास ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है मर्सिडीज. तो जो हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी, नेचर ने क्रिएट किया हुआ है. तो एवरीथिंग, आज साइंस कहां से कहां पहुंच चुकी है, मून से लेके मार्स तक पहुंच गए. लेकिन आज की डेट में जितना जी, अगर किसी की आंख का रेटिना का कोई प्रॉब्लम आता है उसका कोई इलाज नहीं. ये जो कैमरा है, आज हम लोग कैमरे के थ्रू बात कर रहे हैं, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस कैमरे को कंपेयर नहीं कर सकती. कैमरे को क्लियर पिक्चर देने के लिए फोकस करना पड़ता है. जब तक हम जागते हैं 12 घंटे या 16 घंटे, उतनी बार 1,00,000 बार आंख फोकस करती है कि मैं आपको देख रहा हूँ, फिर मैं दूर देख रहा हूँ, तो मेरी आंख ने फोकस चेंज किया. कोई भी कैमरा इसको मैच नहीं कर सकता. आज तक हम लोग ब्लड नहीं बना पाए. तो आप नेचर को देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें, यू विल फाइंड योर आंसर्स कि धरती को कौन घुमा रहा है, हमें सूरज की तरफ कौन घुमा रहा है, कैसे ये वेदर चेंज हो रहे हैं, कैसे दिन और रात हो रही है, आखिर ये कर कौन रहा है? तो ये फेथ है, वही इंसान को मुझे लगता है कि आगे बढ़ा सकता है. There is nothing about that. बहुत 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 बिल्कुल आपने सही बोला. और मैं हमेशा याद रखूंगी, there is a tiny word in destiny, because other things are also there when you
make up your life apart from destiny. Because आपकी spirituality आपको wise बनाता है and wisdom give you that kind of free will. Because जो मैं destiny के टाइम क्यों कहा था कि 70% तो fix है, which you cannot choose. I said you can't choose your parents. 30% your hand, which is known as free will. कि आप उस opportunity को, इस situation को कैसे utilize करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, बिकॉज हम इसी की बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ लोग इसको प्योर, जैसे आपने बताया, प्योर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल साइंस भी कहते हैं. आपका इसके बारे में क्या कहना है, या फिर ये इंट्यूशन है या फिर ये प्रिडिक्शन है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ संदीप जी, बिकॉज डी एच लॉरेंस एक वेरी रिनाउंड इंग्लिश राइटर है एंड ही बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ इंट्यूशन. Jee. And has placed it above all analysis, logic, objectivity. He has written an essay on education where he has written about he preferred untouched and spontaneous education. Or untouched and spontaneous education ko unhone always he has kept it over always burdened with choice education. No, always burdened with choice education. तो इसलिए मेरे को लगा कि ये सवाल, क्योंकि इंट्यूशन और प्रिडिक्शन को लोग, हम लोग आज के इस बहुत लॉजिकल और बहुत टू मच ऑफ सिविलाइजेशन के दौर में हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंट्यूशन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इंट्यूशन और प्रिडिक्शन का बहुत क्लोज एक नाता रहा है. बिकॉज विच इज बेस्ड ऑन विजडम, लाइक यू सेड, विजडम इज ऑल्सो देयर, विच इज हाउ यू मेक योर प्रारब्ध, जैसे हम बनाते हैं. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, सांसों का जो धड़कनों से रिश्ता है, वही इंट्यूशन का प्रेडिक्शन से रिश्ता है. मैं शायर हूं तो मैं थोड़ा शायराना, बट जो आपने बात की वो बहुत ही खूबसूरत बात है. आज देखिए, ये ज्योतिष मैं आज मैकबुक पे कर रहा हूँ, मैं कुंडली जो है मैकबुक पे देखता हूँ. अब वेदों की बात मैकबुक तक आ गई, तो ये अभी तक कैसे चल रही है? हजारों साल, 5000 साल पहले तो महाभारत की बात कर रहे हैं, महाभारत से पहले से ज्योतिष चल रहे हैं. तो कहने का मतलब, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट वेद है, इसे वेदांग कहते हैं, मतलब, और वेदों का अंग है, इसको ज्योतिष कहते हैं, जिसका मतलब ही है ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज लाइट ऑफ गॉड. इससे बड़ी साइंस बनी ही नहीं. दूसरी बात, आपने इंट्यूशन की जो बात करी है, आज भी ये ज्योतिष इसलिए कामयाब है, और स्पेशली जो हिंदुस्तान का, इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजी है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इसलिए बहुत आगे है कि हमारी जो कैलकुलेशन है, आज हमने शनि आंखों से नहीं देख पाए, हमें बृहस्पति हमने आंखों से नहीं देख पाए, हमको चांद और सूरज तो दिखता है, कुछ सितारे दूर दूर दिखते हैं, कभी कभी कहते हैं देखिए वो ज्यादा चमक रहा है, वो शुक्र है या वो बुध है या मंगल, इतने तक तो हमको दिख सकता है, उसके बाद के ग्रह हमें कभी नहीं. और सबसे ज्यादा डर हमें लगता है शनि से, जो आज तक देखा ही नहीं. तो कहने का मतलब यह है कि वो सितारे जो आंखों से नजर ही नहीं आए, और हजारों साल पहले ना तो सैटेलाइट था ना कोई टेलीस्कोप था, तो ये जो ज्योतिष की गणना की कैसे गई? आज जितनी कैलकुलेशन है, जो आपने पूछा ये साइंस है क्या, मैं कहूंगा है एग्जैक्टली, इट इज अ साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. जन्म कुंडली में जो आपकी ग्रहों की जो डिग्रीज है, आप नासा को फोन लगाइए कि मैं 1970 में बॉर्न हुआ था या हुई थी, या 65 जो भी जिसका एज है, और वो पूछे कि मेरी गुरु की डिग्री, मेरी जुपिटर की डिग्री, मेरी मर्क्यूरी की डिग्री क्या है उस दौरान जब मैं पैदा हुआ था. यू विल बी सरप्राइज कि दे विल गिव यू द सेम डिग्रीज व्हाट यू हैव इन योर हॉरोस्कोप. जन्म कुंडली की डिग्री और नासा जो आपको डिग्री बता रहा है उस पर्टिकुलर डे टाइम और प्लेस के दिन जब आप पैदा हुए थे वो सेम है. दैट मींस एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. तो वो ऋषि मुनि जो जंगल में बैठे थे, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, आंख बंद करके जो गणना कर रहे थे, इट इज नथिंग बट इट इज ए ग्रेट डिवाइन इंट्यूशन. So that is why it is not only a science, Chetna ji. It is a divine science. तो वो जो divinity है, उसके बिना हो ही नहीं सकता. आप आज ज्योतिष को मानते हैं लोग कि it is a easy money making business. आप किसी के बारे में कुछ बातें बता दीजिए और आपको पैसे मिल जाएंगे, और क्या करना है, इससे आसान प्रोफेशन क्या हो सकता है? ज्योतिष से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है. ज्योतिषी से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता. ज्योतिष अगर अपने क्लियर कॉन्शियस से किसी को बताता है तो उस इंसान की जिंदगी बदल जाती है. बिकॉज होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी सो कॉम्प्लिकेटेड चेतना जी, उसमें लगता ही है कि व्हाट आई नो, व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक इज राइट, प्लीज आई एम राइट, डोंट टीच मी. तो ऐसे लोग जो है वो ऐसे उस सिचुएशन में जो है वो अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. लेकिन इसीलिए कहते हैं, स्टीव जॉब ने भी कहा था, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. सो इफ यू ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर,
नो मोर एंड मोर देन यू कैन टेक राइट डिसीजन द राइट एंड तो इंट्यूशन का 100% एस्ट्रोलॉजी से नाता है. जब हम कुंडली देखते हैं तो मन में ख्याल आता है. वो ख्याल जो आप बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस, कौन सा आप वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा, हजारों हजारों फॉर्मूले हैं एस्ट्रोलॉजी में, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस ऑल्सो. उसमें कौन सा थॉट आपके मन में आ रहा है, ये कौन क्रिएट कर रहा है, इसी को हम इंट्यूशन कह सकते हैं. तो 100% इसका बहुत बिल्कुल. और आप जब दिल से बोलते हैं तो कविता जरूर निकलती है, बिकॉज कम्स फ्रॉम द हार्ट. एंड वो आपके इंट्यूटिव लाइट और प्रिडिक्टिव लाइट को जरूर एनहांस करती होगी, बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि जो चीज हमें नहीं दिखाई देती वो एक पोइट को दिखाई देती है, बिकॉज और कई बार उसको पोइट इज ऑल्सो अ क्रिएटर. अ पोइट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट. सो आपका प्रिडिक्टिव आर्ट है ये, इट्स एन इंट्यूटिव आर्ट. यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू समथिंग इन द कॉस्मिक एनर्जी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन. बिकॉज और मैं आप ही की दो लाइनें यहाँ पे दोहराऊंगी. जिंदगी की कहानी का बस एक हिस्सा, किस्सा हूँ, अकेला हूँ पर इस भीड़ का हिस्सा हूँ. ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये दो लाइन आपकी चुनी, इसलिए कि क्योंकि स्पर्श गंगा अभियान जिसके प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये मिल रहे हैं आज, स्पर्श गंगा अभियान भी ऑल इंक्लूसिव पॉलिसीज की फिलॉसफी पर बेस्ड है. जैसे जूट के बैग्स बनाना टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, ट्री बार्क फैब्रिक और बास्केट्स बनाना, या फिर माँ गंगा के में बहाए हुए फ्लावर्स, फूल, पत्ते को यूज करके मेकिंग द इंसेंस स्टिक्स. नो देन देयर इज सेल्फी विद माय स्पर्श ट्री, बिकॉज नेचर इज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर वेलबींग, फॉर आवर वेलबींग हियर. मोर ओवर What is important is it is giving employment to women, creating awareness. Recently, 10,000 khadi masks were sent to the soldiers during the corona times. यहाँ पे संदीप जी, आप उस किस्से, उस हकीकत को कैसे identify करते हैं जिससे आप रोज रूबरू होते हैं, जैसे लोगों से मिलना, उनकी उनकी कहानियां सुनना, उनके problems को महसूस करना, उनके एम्बिशंस के बारे में जानना, उनके दुखों दुखों को, दर्दों को, दुखों को उनसे जुड़ना. इट इज अ, आपका जो एक जॉब है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटालिसिस का आप एक काम कर रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको स्पर्श गंगा का बताया कि हम लोग वहां पे इस टाइप से लोगों की लाइफ से जुड़ते हैं, और आप भी इस तरीके से लोगों की लाइफ से जुड़ रहे हैं, और नेचर में भी आप लोग का, आप काफी काम कर रहे हैं. यू आर वर्किंग विद द एनवायरनमेंट, यू आर वर्किंग विद प्लैनेट अर्थ, यू आर वर्किंग विद द प्लैनेट्स रादर एंड आइडेंटिफाइंग. तो वो जब आप लोगों के किस्सों से जुड़ते हैं, उनकी कहानियों से जुड़ते हैं, उनकी ड्रीम एस्पिरेशंस एम्बिशन से रूबरू होते हैं, वहां पे मैं आपसे आपके कुछ निजी अनुभव जो है जिसने आपको इवॉल्व करवाया वो मैं जानना चाहती हूँ. जी, उसमें दो लाइनें तो आपने ऑलरेडी मेरी सुना दी. मैंने इस पे जरूर दो लाइन और लिखी थी चेतना जी, कि हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हर रोज सितारों को निकलते देखा. हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हर रोज सितारों को निकलते देखा, बेवजह ही रिश्तों को बिगड़ते देखा, ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा. बहुत खूब, बहुत खूब. हमारी जो ड्रीम्स है और हमारी जो रियलिटी है, जिंदगी की जो लड़ाई है, वो जद्दोजहद इन्हीं दो के बीच में, कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, तो वो इंसान निराश हो जाता है, हताश हो जाता है. इसीलिए बोला गया कि जो फ्लो है, जैसे आज आप स्पर्श गंगा की बात कर रही हैं, मैं आरुषि जी का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, क्योंकि इतनी कम एज में जो इस तरह से ये मुकाम चला रही है, इट इज रियली कमेंडेबल. ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और मैं दिल से इस संस्था के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जुड़ा ही हूँ, और कहीं पे भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इसकी बात करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे. आज आपने कहा कि जूट के बैग बनाए जाते हैं, आज खादी के मास्क बनाए गए, आर्मी को भेजे गए, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जांपल हो सकता है कि कैसे आपने नेचर को यूटिलाइज किया है इन द राइट मैनर, इवन इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, कि ना तो फैक्ट्रीज लग पाई थी, ना उस दौरान मास्क इतने क्रिएट हो पाए थे, क्योंकि इतिहास में इतने मास्क की आवश्यकता शायद ही कभी पड़ी. उसमें कम समय में अगर ये, और नेचर को यूज किया गया, खादी को यूज किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है. और मैं वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्री में इस बात को सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे माँ गंगा को समर्पित कर देनी चाहिए, और जिंदगी की फिलॉसफी ये उसी वहीं से लेकर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि जिंदगी तो महज एक दरिया है. और मैं
गंगा मैया के लिए कह रहा हूँ कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक जरिया है। सो आई ऑलवेज बिलीव इन चेतना जी, ऑलवेज गो विद द फ्लो। जिंदगी में अगर आप फ्लो के साथ चलते रहेंगे बहुत बहुत बेहतर, कभी नहीं फंसेंगे। आपने आपने जिस जरिए की बात करी है वो एक जिंदगी जीने का नजरिया भी है, एक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव है जिसको आपने इतने बहुकूबी तरीके से उजागर किया है। आई वॉज रीडिंग संदीप जी एट वन पॉइंट वेयर यू हैव मेंशन्ड हाउ यू हैव जॉइंड योर प्रोफेशन विद पैशन। लाइक यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत याद आई, बिकॉज मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट हुए हैं विक्टोरियन एज में, एंड ही सेड माय एवोकेशन एंड माय एवोकेशन, वोकेशन एंड एवोकेशन आर वन एज टू आईज मेक वन इनसाइट। तो दो आंखें मिलके जब एक चीज देखती हैं, एक एक आंख को उन्होंने वोकेशन माना माई प्रोफेशन एंड एक को उन्होंने हॉबी माना, और जब दोनों मिल जाती है तो उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव एकदम सही होता है। जैसे हमारी दोनों आंखों को मिला के एक नजरिया बनता है, आपने नजरिए की बात करी, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट, बिकॉज प्लैनेट विच इज मदर अर्थ इज योर पैशन, और रिसर्चिंग द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इज योर प्रोफेशन, और आपने इन दोनों को बहुत बखूबी जोड़ा है अपने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और इन दोनों को जोड़ के आप लोगों के लाइफ को छू रहे हैं, और उसमें भी आप एक लोगों की लाइफ को बदल रहे हैं, उनको छू रहे हैं एक अच्छे तरीके से, उनकी लाइफ को एक एक रास्ता दे रहे हैं। जैसे आपने जीवन जीने का एक जरिया और बहते जाना एक नजरिया का आपने जिक्र किया, तो आप आपने इसको कैसे जोड़ा प्रोफेशन एंड पैशन को, मतलब योर लव फॉर बोथ? बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन यू हैव रेज्ड, एंड बट इट इज रियली रियली क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि एक चीज है जो आप नहीं चूज कर सकते, वो खुद की डेस्टिनी है, ये मेरा यकीन है। क्योंकि अगर कोई इंसान सोचे कि अब मुझे सिंगर बन जाना चाहिए या मुझे एक्टर बनना चाहिए या मुझे और बनना चाहिए, वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो उसकी इंसान का जो पाथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपने नहीं देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, आई एम ऑल्सो ए ड्रीमर, लेकिन इंसान का एक खुद का जो ट्रैक है, जिस ट्रैक में उसको जाना है, चलते चले जाना है, वो चूज नहीं कर सकता, वो डिफाइंड है, तो उस पर आप चल रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा एक ही सपना था बचपन से कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे हिंदुस्तान को जिताना है। मैं आई वॉज ए क्रिकेटर, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, लेग स्पिन करता था, गुगली आती थी, और मैं मेरे और राहुल द्रविड़ दोनों के सेम कोच थे, के तारापुर साहब, तो वो सपना लेकर मैं चल रहा था। और ज्योतिष में इंटरेस्ट जरूर था, क्योंकि मैं किसी भी शहर में जाता था तो वहाँ स्टेशन पर पूछता था, भैया यहाँ पे कौन से ज्योतिषी बहुत फेमस है, तो उनको आप किसी को हाथ दिखा रहा हूँ, किसी को मैं जन्म कुंडली दिखा रहा हूँ कि बताइए मैं इंडिया कब खेलूँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कह रहा मुझे उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने गुस्से में एस्ट्रोलॉजी सीखी, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में योगदान आया तो मैंने कहा यार ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, ये सब लोग उस पर डिपेंड करते हैं, राजा महाराजाओं से लेकर और ऊपर देवताओं तक ज्योतिष को मानने वाले लोग, और ये मुझे गाइडेंस ठीक से नहीं मिली, तो मैंने कसम खाई कि मे बी दिस इज माई पर्पज कि आई शुड बी गाइडिंग पीपल, शायद मेरा यही कॉलिंग है। मैंने इसको कभी प्रोफेशन बनाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, वो बाय चांस है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था टू मेक इट ए प्रोफेशन, या ये मैं कहूं कि बाय चांस फोर्स प्रोफेशन बन गया मेरे लिए, क्योंकि मैं जब टेलीविजन शो करने लगा, और वो शो भी मेरी कोई होशियारी से, चालाकी से या कोई नेटवर्किंग से नहीं मिला। जिंदगी में जितनी बड़ी चीजें हुई, आज अगर मैं किताब लिख लूं अपने अचीवमेंट्स इन माई लाइफ, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, शिद्दत से कह रहा हूँ, चिंता जी, एक भी चीज में मेरी होशियारी नहीं थी, हर चीज ऊपर वाले ने मुझे अचानक, आप अपनी सीट तो बुक कर सकते हैं फ्लाइट में, साथ वाले की सीट तो आप बुक नहीं कर सकते। कितने लोग मुझे मेरे जो साथ बैठने वाले हैं, जो जो बाई चांस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो आपके काम आ गए, उन्होंने आपका आपको आगे बढ़ने में मदद करी। कितनी बार है कोई आपके साथ बैठ जाता है, आप उसे हेलो तक नहीं कहते और 3 या 15 घंटे की जर्नी खत्म हो जाती है। कितनी बार लोग मैंने देखा है कि लैंड करने के बाद शादी तक कर लेते। तो कहने का मतलब यह है कि कभी तो रस्ते में अपने भी पहचानते नहीं, कभी तो रस्ते में अपने भी पहचानते नहीं, और कभी बन जाते हैं हम सफर जो जानते भी नहीं। सो आई बिलीव इन बहुत उम्दा, और मुझे लगता है कि अगर इंसान खुश रहे, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है ये ज्योतिष को आगे बढ़ाना और उसको अपना अपना पैशन बनाना, जो आपने कहा, और प्रोफेशन में मेरा कोई योगदान नहीं था, पैशन में मेरा जरूर मेरी शिद्दत थी, प्रोफेशन बाय चांस बना जो मैंने कहा, वो यही था कि मैं कैसे हैप्पीनेस को क्रिएट करूं, मैं कैसे लोगों के जिंदगी में होप क्रिएट करूं, क्योंकि होप एंड हैप्पीनेस दे आर द टू इंग्रेडिएंट्स व्हिच हेल्प अ पर्सन टू लिव देयर लाइफ।
क्योंकि आज इंसान हताश है। आज अगर आप ये सिचुएशन देखिए, कितने लोगों की जॉब चली गई है, जॉब जा सकती है, वो डर में जी रहे हैं। कितने लोगों का अगर बड़ी फैक्ट्री थी तो वो ताले लगे हुए हैं, उनको सैलरी भी देनी है, रेंट भी देना है। जितने बड़े बड़े बिजनेस थे उतना ज्यादा लोगों को नुकसान भी हो गया है। तो ये होप खत्म होती चली जा रही है, या इंसान के अंदर फियर बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, लोग बीमार होते जा रहे हैं उसकी वजह से। तो ऐसे में अगर एस्ट्रोलॉजर बताए कि ये थोड़े कुछ दिनों की बात है, चीजें बदल जाएंगी। और हैप्पीनेस, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप खाली मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इस पे लिखा कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो, कम से कम खुद मुस्कुरा लीजिए। क्योंकि व्हेन यू स्माइल तो माइंड फील की कुछ तो अच्छा है, ये मुस्कुरा रहा है, अच्छा हां, तो माइंड हैप्पी हो जाता है, माइंड हैप्पी हो जाता है, बॉडी हैप्पी हो जाती है। तो व्हेन योर माइंड एंड बॉडी बिकम्स हैप्पी, देन योर एनवायरनमेंट, योर ऑरा, योर एनर्जी, योर नेचर अराउंड यू बिकम्स हैप्पी। तो अगर हर इंसान अगर वो सिनर्जी और एनर्जी को क्रिएट कर ले, तो हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटीफुल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि एक सिनर्जाइज करना अपने आसपास के माहौल को विद योर इनर सेल्फ, बहुत एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने काफी सारी चीजें बताई, जैसे जिंदगी तो बेहज एक दरिया है, बढ़ते चलो बस यही एक नजरिया है। यह पार्टिसिपेटेड इन वॉकेथॉन बिसाइड्स गंगा, स्पर्श गंगा अभियान भी क्लीनलीनेस ड्राइव से शुरू हुआ था 2009 में, मगर आज ये पौराणिक संस्कृति का पौराणिक संस्कृति, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिसोर्स डेवलपमेंट का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। इट इज सिनोनिमस विद कल्चरल हेरिटेज, द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द रिसोर्स डेवलपमेंट अराउंड। और सबसे बड़ी बात संदीप जी ये है कि आज तकरीबन 5.5 लाख लोग विश्व भर में नदियों को सफाई कर रहे हैं, चाहे वो फिर कोई सी भी नदी हो, नॉट ओनली गैंजेस, मतलब अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर इन दुबई, इन गल्फ कंट्रीज, और इन इंग्लैंड, और इन थाईलैंड, दे आर क्लीनिंग देयर ओन रेस्पेक्टिव रिवर्स। Right. So Sparsh Ganga team also believes in the philosophy God helps those who help themselves. Mera sawal ye hai, is fate really in our hands, which you have answered partially yes, and aapki isme raaye kya? Because I also come from the family of astrologers and from the hills of Uttarakhand. But Sandeep ji, for the last two generations, like jaise aapne bola na, main uske bilkul vipreet hu. Aapne kaha mereko ye उसमें नहीं मिला है, अपने विरासत में नहीं मिला है, लेकिन हमारे मेरे एक परिवार में, जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, बट फॉर द लास्ट टू जनरेशन देयर हैड बीन नो एस्ट्रोलॉजर इन द फैमिली, ये बात भी तय है। तो मुझे हमेशा अपने अंदर एक द्वंद सा महसूस हुआ करता था बचपन, मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लाइक यू सेड, youngsters basically they want to logic out everything, they want to rationalize everything, they want to have answers for all the solutions. And as you grow up now, I feel it is not the answers, this is how you feel and the wisdom that those answers has created. Ek logical nahi ho sakta, lekin ek wisdom create ho gaya ki nahi ye galat hai, ye sahi hai. So to mere andar ek dwand tha ki agar destiny hai to action kyun, मैं काम क्यों करूं, सब डेस्टिनी है, और अगर मेहनत करनी है तो फिर डेस्टिनी कैसे, व्हाट इज डेस्टिनी, व्हाट इज द रोल। तो उमर खयाम की एक रुबायत है, उसमें एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड फिट्ज़रल्ड, सर एडवर्ड फिट्ज़रल्ड, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट मूव्स ऑन, nor all your piety nor wit shall lure it back or cancel even half the line, nor all your tears wash out a word of it. So it's a very fatalistic philosophy par Umar Khayyam ki jo rubayat se hain unhone likha hai. Ek din ye sawal main har kisi se karti thi. I remember my father telling me how destiny and action are, he told me how they are intertwined with each other. Correct. तो हमारा भाग्य और कर्म, आपने जैसे बताया, एक दूसरे से जुदा नहीं है, या जुड़े हुए हैं वो लोग, दोनों दोनों हमारे भाग्य से जुड़े हुए हैं। सो ही टोल्ड मी वन थिंग, देखो, सो यू बिकम अ टीचर बाय योर डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, बट द टाइप ऑफ टीचर, गुड और बैड, यू बिकम इज योर एक्शन। अगर आप डेस्टिनी से आप टीचर तो बन गए,
लेकिन अगर आप अच्छे टीचर हैं वो आपका एक्शन है, अगर आप बुरे टीचर हैं तो वो भी आपका एक्शन है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइंड डेस्टिनी एंड दिस थिंग. जैसे कोई राजा, अगर राजा बन गया अपने भाग्य से, कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा राजा बना. अच्छा राजा बुरा राजा उसको अपने कर्म से ही बनना पड़ेगा. सो हाउ डू यू डिफाइन दिस? आपने कई इसका जवाब ऐसे कई कई हद तक मुझे दे भी दिया है. द टाइनी वर्ड दैट इज देयर डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सबके मन का सवाल है एक्चुअली जो आपने अभी किया कि भाई साहब जब आप कह रहे हैं कि डेस्टिनी फिक्स हो चुकी है, जिंदगी की कहानी पहली लिखी जा चुकी है, तो आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा राज्य नंबर वन पे पोजिशन है उस राज्यों की, उसका नाम है चेतना जी धर्म कर्माधिपति राज्य. भाग्य स्थान का मालिक जो धर्म का भाव है, कर्म के मालिक के साथ अगर जिसकी कुंडली में होता है, अगर मैं इसको दूसरी तरह से डिफाइन करूं, धर्म मतलब 9th हाउस, हाउस ऑफ लक, एंड दैट प्लैनेट इज प्लेस्ड विद द 10th लॉर्ड, द हाउस ऑफ प्रोफेशन, नेम फेम प्रोफेशन स्टेटस एंड पावर कंप्लीटली. सो धर्म और कर्म का मालिक जब एक साथ किसी की कुंडली में होता है, इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजो. इसको डिफाइन किया गया, इसको आंसर दिया गया इस डेफिनेशन का, हाउ डू यू डिफाइन धर्म कर्माधिपति राजो? तो बोला द आंसर इज वसुधैव कुटुंबकम. The person who has a 9th and 10th lord together having the dharma karmadhipati rajyog will do something big for the humanity and mankind. So, aaj I am talking to you, I am feeling so privileged, so honored actually, kyunki ye sparsh ganga jo abhiyan hai, ye sirf ganga ki safai nahi hai, ye it is in a bigger context. It is sparsh, pehle to uska naam hi sparsh hai. It is like touching lives. It is changing people. It is teaching you how to go with the flow. It is teaching how to bring the cleanliness within us by cleaning your ganga and ganga within you also. तो मुझे लगता है कि अगर ये इतने बड़े लेवल पे आप जा रहे हैं, आज आपने जूट के बैग बनाए, हजारों लोगों को रोजगार दिया, आज आपने ये मास्क बनाने शुरू किए खादी के, आपने नेचर को यूज किया, तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या कह रही हैं कि मुझे लगता है कि आपकी जब ये फॉर्मेशन हुई होगी स्पर्श गंगा फाउंडेशन की, तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग उस समय फॉर्म हो रहा होगा, या जो आपके फाउंडर्स हैं उनकी कुंडली में ये राजयोग जरूर हो. और ये इसलिए नंबर वन पे उसको प्लेस किया गया. किसने 1 2 3 किया, क्यों किया गया वन पे? क्योंकि ये सेल्फलेस है. तो इससे बड़ा राजयोग ज्योतिष में नहीं है. इसीलिए कहा गया कि ज्योतिष की सारी जो पढ़ाई आपकी हो जाए तब आप मेरे पास आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी लाइन क्या है. तो उन्होंने कहा ज्योतिष आपको आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी लाइन ये आप याद रखिए, लिख लीजिए दीवारों पे घर पे जाके, कि कर्म प्रधान है, योर डीड्स डिफाइन योर डेस्टिनी. आपने कहा कि आप भाग्य से टीचर तो बन गई, लेकिन किस टाइप की टीचर? मैं भाग्य से ज्योतिषी तो बन गया, लेकिन किस टाइप का ज्योतिषी? मैं अपने भले की बात कर रहा हूँ, या मैं आपकी आपका कौन सा गाड़ी में आप आई हैं, और कौन सा मोबाइल आपके हाथ में है, और कौन से आपने डायमंड कितने सॉलिटेयर का है, उसके हिसाब से मैं आपको उपाय बताऊँ. तो सारा ये जो खेल है ये आपके कॉन्शियस पे चलता है. तो पीपल हु आर क्लियर कॉन्शियस दे ग्रो दे ग्लो, और वो फिर जिंदगी में सितारे बन जाते. तो इसीलिए मैंने कहा गया कि खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, खुश नसीब है वो लोग, हैप्पी गो लकी, खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं. तो आई थिंक हैप्पीनेस से बढ़कर कुछ नहीं है. तो पीपल हु आर क्लियर कॉन्शियस नेचुरली दे बिकम हैप्पी, एंड दे आर हैप्पी, दे आर ब्लिस्ड, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द स्टेट ऑफ ब्लिस. व्हेन यू आर हैप्पी एवरी मोमेंट, दैट मींस यू आर ब्लिस्ड. कि आपको गुरु की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि आप खुश हैं. और आज भी अगर आप बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, जो मैं कहीं पे भी मिल जाए मुझे, मैं लंदन में भी पैर छूता हूँ, लोग देखते हैं कि ये कौन है भाई, ये कौन से गांव से आया कि यहाँ पे पैर छू रहा है. लोग वहां पे नाम से बुलाते हैं, मिस्टर भी नहीं कहते. तो वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद आज भी यही मिलता है कि खुश रहिए, क्योंकि उससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं. आपने लिखा है, आपने बोला भी अभी, जैसे अब क्या इंतजार करे दूसरों के बदलने का, जब खुद नहीं बदले तो जमाना क्या बदलेगा. चेंज इज अ चेंज व्हेन वी चेंज, राइट? So it is always it is all about taking right decision at the right time. Right. That is what all astrology and predictions are also all about. True. Your predictions have given new directions to so many people. ऐसे ही एक prediction की बात करना चाहती हूँ. Correct predictions की बात करना चाहती हूँ. आपने predict किया था regarding Barack Obama's second term as president of United States of America. और आपने प्रेडिक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप का कमिंग टू पावर बेस्ड ऑन हिज हॉरोस्कोप. इसके अलावा बहुत और भी आपने जो पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस किए थे, जैसे एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, राम मंदिर विवाद का सुलझना. पीपल हैव वॉच्ड योर प्रिडिक्शंस कम ट्रू
लोगों ने महसूस किया है, आपके प्रिडिक्शंस हैरान करने वाले हैं. मोस्ट ऑफ हैव सीन द लाइट ऑफ द डे. आपके बारे में अक्सर कहा जाता है, इफ यू डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू बिलीव इन हिम, एटलीस्ट बिलीव इन डॉक्टर संदीप कोचर. वेयर डू यू डिराइव योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम? बिकॉज आई वॉज रियली shocked at the kind of predictions, political, some controversial, some which have been, we never thought they would see the light of the day. Aapne, aapko ye confidence predictions ka, where do you derive your confidence from? I was really shocked. So I thought I should ask you this question. Dekhi, I was never a bold person. Abhi bhi, main bahut hi shy kism ka insaan. कैमरा ने मुझे जरूर आंखों में आंख डाल के बात करना सिखा दिया, अदरवाइज मैं हमेशा नजरें झुका के बात करता था, स्पेशली फीमेल्स. तो वो शाइनेस मेरे अंदर अभी भी है. लेकिन जो आपने कहा कि इतना बोल्ड होके बोल देना, ये मुझे लगता है कि ये अंदर की आवाज, मैं इसको जो कहूंगा, जो आपने शुरू में ये, जब से हमने अभी स्टार्ट किया आज का वेबिनार, आपने इंट्यूशन की बात की थी. जब आपका मन करता है और जब देखिए, जब आप इंसान सच्चाई की राह पे चलता है, जब मुझे कोई नंबर बनाने के लिए या अपना नाम के लिए मुझे कुछ लिखना है या कुछ प्रेडिक्ट करना है, वो थॉट मेरे मन में नहीं है. मेरे मन में कुछ अच्छा कहना या अच्छा जिससे शायद दुनिया का भला हो, वो थॉट मेरे मन में हमेशा रहता है. तो मैं उसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही कैजुअली लिख देता हूँ. जबकि मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे भाई, ये आपने क्यों कर दिया, क्योंकि एक भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि वो जीतेगा, हिलरी को हराना नामुमकिन है. बट व्हेन आई चेक बोथ द चार्ट्स, तो मुझे समझ आ गया कि हिलरी का एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन चल रहा है, और एक इंसान जो एक बिजनेसमैन है जिसको पॉलिटिक्स में पी भी नहीं आता, वो अगर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब उसके मन में है, वो भी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, तो कुछ तो बड़ा उसके उसकी कुंडली में ऐसा परिवर्तन आना चाहिए. तो व्हेन आई सॉ हिज हॉरोस्कोप, आई वाज इमीडिएटली कन्विंस कि ये इतना बड़ा परिवर्तन सबके जीवन में नहीं आता, तो ये इंसान जरूर बन सकता है. तो वो कॉन्फिडेंस, मुझे ज्योतिष पे 100% भरोसा है, एस्ट्रोलॉजी पे मुझे कभी भी, आज भी मेरे जितने मुझे क्लाइंट, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, जो भी मुझे फोन करता है मैं उनको बिल्कुल बोलने नहीं देता. जैसे ही मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताते हैं, 5-6 सेकंड में कुंडली बन जाती है, बिकॉज आप डालिए और उसको सामने आपको ग्रह बन के आ गए जो कुंडली का चार्ट होता है, देन यू स्टार्ट टॉकिंग. मैं उनको बोलने नहीं देता. नॉर्मली ज्योतिषी कहते हैं, जी बताइए चेतना जी, क्या जानना चाहती हैं आप, उनको दो लाइन बताइए तो पूरी स्क्रिप्ट वो सुना सकता है, ताना बना बुना जा सकता है. तो मैं उनको बोलने नहीं देता ना, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, अबाउट देयर पास्ट, अबाउट देयर नेचर, अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द जर्नी, व्हाट दे आर फीलिंग इन दिस मोमेंट आल्सो एंड वेयर दे आर हेडिंग. तो एक उससे क्या होता है, मैं ये क्यों अपना खुद का टॉर्चर करता हूँ या खुद एक रिस्की वे में एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, बिकॉज मैं उस इंसान को वो कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है, वो गलत हुआ या सही हुआ, वो उसके पीछे किसका योगदान था और आगे आपकी जिंदगी में आप क्या दे सकते हैं. तो इंसान, द पर्सन विल हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन एस्ट्रोलॉजी एंड इन मी, तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ. तो आई थिंक अगर इंसान शिद्दत से करे, कहने का मतलब यही था कि अगर इंसान शिद्दत से करे तो फिर ऊपर वाला भी उसका साथ जरूर देता है. आपने बहुत ही बड़ी बात कही है और मेरे को बहुत कुलबुलाहट थी इस सवाल से को आपसे पूछने की, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना जाना जाए, जितना आप इसमें डूबेंगे उतना आपको और जानने की इच्छा होगी. जी बिल्कुल. तो, वो मुझे याद आया चिन्ना जी की, वक्त के साथ जब सितारे बदल जाते हैं, वक्त के साथ तो सितारे भी बदल जाते हैं, और खुद ही जो यकीन तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं. तो ये फेथ इन यू एंड इन गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एवरी टाइम मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई, अगर आप स्पिरिचुअल बन गए, अगर आप ऊपर वाले पे फेथ हो गया, आप उपाय के तौर पे अगर मंदिर या गुरुद्वारे या जो भी आप जहां जाते हैं वहां नहीं जाते हैं, शिद्दत से यू फॉल इन लव विद गॉड, तो फिर आपको किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि जो इंसान मेडिटेट करता है वो हमेशा अंदर से पवित्र रहता है, गंगा की तरह. उसका मन हमेशा फ्लो की तरह चलता रहता है, वो कोई दिमाग नहीं लगाता, कोई स्ट्रेस नहीं लेता, कोई एंग्जाइटी नहीं लेता, और उसकी जिंदगी बिल्कुल फ्लो की तरह चलती रहती है. दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट. बहुत बड़ी बात कही है और ये जरूर हमारे दर्शक भी अपने साथ इसको लेकर जाएंगे. और हम लोग जो आपने जितना भी बताया इसके बारे में कि कुछ ये सब तो अपने अंदर है. एस्ट्रोलॉजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर यू आर प्रिडिक्टिंग. सो हेयर वी कैन टेक सम क्वेश्चंस. तो राहुल, एनी क्वेश्चंस दैट इज एक्सपेक्टेड? सर, एक आपको सुन के सर बहुत अच्छा लगा. और सर, एज अ यूथ, मतलब सबकी एक ही प्रॉब्लम है. अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँ आपसे अपने बारे में, तो सर, जैसे कि ये है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, रिलेशंस मेरे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं मेरे दोस्तों से. जी, मैं उसके ऊपर आपसे एडवाइस चाहूंगा कि
क्या आप कुछ एडवाइस करें? देखिए, गुस्सा इंसान को क्यों आता है? जब उसका टॉलरेंस लेवल कम होता है, जब वो हर इंसान अपने हिसाब से चलना चाहता है और अगर उसको उसमें रुकावट महसूस होती है कि मुझे वो ये नहीं करने दे रहा है, या कम से कम जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो इंसान एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर चला जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इंसान को एग्रेशन की तरफ मोड़ देता है। दूसरा हो सकता है, जैसे किसी के लगन में मंगल हो, ऐसा इंसान स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग आर्म फोर्सेज में, पुलिस में चले जाते हैं या स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, तो उनका टेंपर जो है वो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। लेकिन इसीलिए कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आपने छोटी सी, अब आपकी शादी, मुझे लगता है शादी आपकी नहीं हुई है। नहीं हुई है, क्योंकि हो गई होती तो अब तक गुस्सा कंट्रोल में आ गया होता। शादी के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, क्योंकि आज की डेट में हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन वुमेन हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जो पहले नहीं थी, बिकॉज ऑफ देयर करियर, जो पहले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अब बहुत हो चुका है। तो ऐसे में उनका भी टॉलरेंस लेवल बहुत वीक है राहुल। तो ऐसे में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी वाइफ यही कहेगी, हनी व्हाट यू सेड इज राइट बट योर टोन इज नॉट राइट। तो आपकी हमेशा बहन हो जाएगी वो, अगर आपकी टोन ठीक नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमें जिंदगी में अपने, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाइफ। जब इंसान रियलाइज करे, अच्छी बात क्या है कि आधी चीजें तो आपने कवर कर ली बिकॉज यू रियलाइज यू नो यू हैव ए प्रॉब्लम, तो आप उस पर ओवरकम करिए। तो कैसे होगा? When you start meditating, इसीलिए कहा गया मेडिटेशन से बढ़कर दुनिया में कोई उपाय नहीं है। जो लोग मेडिटेट करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो जो चंद्रमा है जिसमें पूरी हमारी भारतीय ज्योतिष चलती है, चंद्रमा पानी को रूल करता है। गंगा भी एक चंद्रमा का फॉर्म, जो पानी का फॉर्म है, सबसे उज्ज्वल, सबसे स्वच्छ, सबसे प्योर, सबसे पायस। तो वो मून है, मून हमारा इमोशन है, मून हमारी माँ है जो सबसे प्योर है, क्योंकि हर इंसान आपको जिंदगी में धोखा दे सकता है, आपकी माँ कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। वो केयर है, वो लव है, वो इमोशन है, और वही गंगा का सिनोनिम है। तो कहने का मतलब है, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका मन, आपका जो चंद्रमा है वो पॉजिटिव हो जाता है। जो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह एक ग्रह को परेशान करते हैं, वो है चंद्रमा। तो जिस इंसान का मन पॉजिटिव है मेडिटेशन से या गुरु से, स्पिरिचुअलिटी से, भगवान का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, उसको ना तो एग्रेशन होता है, ना फ्रस्ट्रेशन होता है, ना वो इंसान कभी दुखी होता है, वो हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और वो कभी भी छोटी बातों में नहीं फंसता। उसका विजन इतना हैप्पी हो जाता है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, और वो इंसान फिर कभी भी नहीं फंसता। तो चाहे वो मैरिड हो या ना हो, उसकी कोई जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल तरह से गुजरती है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपका ये एग्रेशन का पॉइंट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक टीम मेंबर और है हमारे स्पर्श गंगा के, डॉक्टर प्रकाश चंद, वो सर दिल्ली टीम के लीडर हैं, और वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे। एक बार मैं प्रकाश से रिक्वेस्ट करूं। डॉक्टर संदीप सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपको सुनना बहुत अच्छा लगा, और आपने कुछ बातें बहुत अच्छी बताई कि डेस्टिनी होती है, इसका मतलब है ईश्वर है, और जो 70-30 का रेशो बताया वो भी बहुत बढ़िया मुझे लगा, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। जहां तक मेरा अपना मानना है, जो आपने कहा डेस्टिनी है, ये बिल्कुल होती है। मैंने देखा है कई जगह जॉब के समय में, शादी के समय में, और बात क्या है कि इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी है, आई थिंक इट इज लाइक ए साइंस। दिक्कत यह है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम है, उनको पहचानना चुनना ये मेन पहलू है, अदरवाइज इट इज प्योरली ए साइंस। मैंने कई बार देखा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कुछ पूछूंगा भी, थोड़ा सा मैं इसको सपोर्ट भी कर रहा हूँ आपकी बात को। तो आपने ये जो बातें कही हैं कि डेस्टिनी है 70%, आप बात आती है जो 30% वाला मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। और एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइंस है, आप बड़ा एक पॉजिटिव वेव्स लोगों में जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, होप देते हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा एकेडमिक काम है, एक पहचान भी है। आपने एक बात कही थी कि देश के लिए कुछ करना, पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना, वो मेरा लक्ष्य है आज। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा है कि अच्छा काम है, पिछले 20 सालों से हम लोग टीचिंग भी कर रहे हैं, एकेडमिक में कंट्रीब्यूशन भी है और सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल, एक स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां से देश में पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सके, और मेरा जहां पर जिस स्टेज पर हमें, मुझे लगता है अभी 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 20 घंटे कर रहे हैं, तो मुझे कुछ गाइड करेंगे कि कब एक नेक्स्ट, मतलब स्थान परिवर्तन कहें जॉब का, या नेचर ऑफ जॉब में परिवर्तन, ये समय कब आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। देखिए प्रकाश जी, उसके लिए तो मुझे आपकी जन्म कुंडली बनाने पड़ेगी। ये जरूर कह सकता हूँ कि आपका फोरहेड देख के और आपके ईयर देख के मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए। मुझे पता नहीं कि आपने अभी तक लिखा कि नहीं लिखा, बट यू कैन बी ए गुड राइटर ऑल्सो। आपकी जो भी आप लिखेंगे उसमें आपका जरूर, आपको
काफी सम्मान और नाम उससे होगा आपका। एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, कितनी बार आपको मुझे लगता है कि कोई ख्याल आता है इस किसी के बारे में वो हमेशा करेक्ट होता है, आपको लगता है कि अरे मैं तो सोच रहा था, जिसका डेजा व्यू कह सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको इंट्यूशन कहूंगा। तो अगर इसको आप थोड़ा सा परिक्रमण को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी कान की शेप है उससे लग रहा है कि यू आर ए गुड लिसनर, यू आर ए गुड लर्नर, एंड जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपको जरूर मदद करेंगे टू राइट समथिंग बेटर एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग। क्या आपको ऐसा आभास होता है? सर ये आपने बिल्कुल सही कहा, आई ऑल्सो एग्री विद यू, आई एम ए राइटर प्राइमरली, आई हैव रिटन 6 बुक्स एंड और बुक्स भी ऐसे हैं दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर द बेस्ट सेलर इन देयर फील्ड, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। तो आपका जो गेस है बिल्कुल सही है, मैं आपको जानता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन आपके कान से ये जरूर बोल देता हूँ कि कितने लोगों ने जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि अरे प्रकाश भाई ये थॉट आपको कैसे आया, क्योंकि आपका जो बहुत सारे थॉट्स हैं दे आर ऑल इंट्यूटिव, सो दैट वुड बी योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस आल्सो। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन संदीप जी। वर्ल्ड इज डेफिनेटली इन अ पैनिक स्टेट, हम लोग बहुत एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था COVID-19 कभी ना सोचा ना सुना, लेकिन हम उसको जी रहे हैं आज। सो एस्ट्रोलॉजी हैज अ आंसर टू द कॉज, टू द इफेक्ट, टू द टाइम फ्रेम फॉर अ पैंडेमिक अटैक। इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन विद यू डॉक्टर संदीप कोचर, इस भरोसे के साथ कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ, एक राह है जिंदगी की। फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पर्श गंगा टीम, जैसे आपने स्पर्श गंगा टीम के बारे में बोला, डॉक्टर निशंक इसके मैंने डॉक्टर निशंक व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ही स्टार्टेड इनिशिएटेड स्पर्श गंगा अभियान, उसको बाद में संभाला आरुषि जी ने, शी हैज डन रियली वंडर्स टू इट। और अभी मैं इसका कहीं पे पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गंगा वॉरियर्स को आइडेंटिफाई किया है, जो गंगा वॉरियर्स स्पर्श गंगा के साथ जो लोग हैं उन सब की, फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पर्श गंगा टीम आई एक्सप्रेस माय सिंसियरेस्ट ग्रेटिट्यूड दैट यू इन्वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी विद अस। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपके आने वाले समय के लिए ढेरों शुभकामनाओं के साथ। Thank you so much, Dr. Chetna, and I must say that I look up to Arushi as a future leader. Yeah, sure. Amen. And I must also say that before we part ways that you know, मुझे लगता है कि एक poetry मैं इसमें चलते-चलते सुना देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही difficult situation चल रहा है, लेकिन optimism, positivity, hope, अगर ये हम create करें within with the help of spirituality, meditation, then हमारा वातावरण, हमारा जो nature है अंदर का और आसपास का, वो beautiful हो जाएगा। और उसमें मैं दो लाइन ये कहना चाहता था कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, जिंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। Let's keep moving ahead with the positive thing in mind. So take care, wish you all the best. Thank you so much for having me and God bless us all. Thank you very much. Thank you. Thank you.